एडम हूँ मैं, आजकलम नो राजपूत, एपिसोड नंबर 6। एक हफ्ते बाद तुम दोनों जल्दी से अपनी पैकिंग कर लो, हमें कल सुबह ही मुंह अंधेरे निकलना होगा। और हाँ, कोई भी ऐसी चीज़ मत रखना जो वहाँ काम ना आ सके। क्लियोपेट्रा हमेशा की तरह तंग स्कर्ट पहनी हुई थी, मोटे फ्रेम वाले चश्मे के पीछे से इनकी अंदर तक उतरती आंखें जुई और हाने को हैरान कर रही थी। लेकिन हम कहाँ जा रहे हैं, जुई ने हैरत से पूछा। एक महफूज जगह पर, क्लियोपेट्रा ने दरवाजे में खड़े खड़े जवाब दिया और फिर तेजी से पलट गई। ये सब क्या हो रहा है, इनके जाने के बाद जुई ने धप से बेड पर बैठते कहा। इन दिनों में इसकी हाने से अच्छी दोस्ती हो गई थी। हाने कम गो थी तो फजूल जोई भी नहीं बोलती थी, लेकिन वो हाने के मुकाबले निडर थी और अच्छा बोल लेती थी। क्या यहाँ पहले भी ऐसा हुआ है, जुई ने साग बैठी हाने से पूछा, जो अभी तक क्लियोपेट्रा के कहे गए लफ्ज़ों पर गौर कर रही थी। कोई भी ऐसी चीज़ मत रखना जो वहाँ काम ना आ सके। आखिर ऐसी कौन सी चीज़ थी जिसे ले जाने से वो मना कर रही थी, और आखिर वो दोनों कहाँ जा रही थी। हाने के जवाब ना देने पर जुई ने इसके कंधे से पकड़कर हिलाया था। मैं तुमसे कुछ पूछ रही हूँ हाने, जुई के झंझोड़ने पर वो होश में आई। क्या कह रही हो तुम, स्कार्फ में लपेटे इस चेहरे पर परेशानी वाजिया थी। मैंने पूछा कि क्या कभी ऐसा पहले हुआ है कि यहाँ रहने वाली लड़कियों में से कोई ऐसे गई हो और कभी लौट कर ना आई हो, जुई ने संजीदा लहजे में पूछा। इसका दिल जाने क्यों तेजी से धड़क रहा था। क्या उसे वापस इन बुरे लोगों के पास जाना पड़ेगा, क्या वो पकड़ी जाएगी, इसके जहन में यही ख्याल गर्दिश कर रहा था। हाँ, शायद एलिसिया जो कई साल पहले चली गई थी और पिछले साल एक और लड़की गई थी, लेकिन वो साल बाद मिलने ज़रूर आती है, हाने ने अपने इल्म के मुताबिक जवाब दिया था। तो इसका मतलब यहाँ से काफ़ी हायर स्टडी के लिए लड़कियों को बाहर भेजा जाता है। इसके जवाब पर जोई कुछ मुतमईन हुई थी, लेकिन इसकी परेशानी मुकम्मल तौर पर ख़त्म नहीं हुई थी। ये अच्छा रहेगा अगर मैं यहाँ से दूर चली जाऊँ, हाने को खामोश पाकर जुई होले से बड़बड़ाई। इसकी छोटी छोटी आंखें मजीद छोटी हो गई थीं और इसका जहन तेज़ी से काम कर रहा था। कुछ देर बाद वो अपने कमरे में वापस आ गई और अब वो ऐसी चीज़ों की तलाश में थी और इन्हें अपने बैग में रखना चाहती थी जिन्हें वो किसी भी किस्म के खतरे से निपटने के लिए इस्तेमाल कर सकती थी। वक्त का सवाल, तो तुम तैयार हो, एलिना ने कमरे से झांकते पूछा। एलिस जो अपने बेड पर बैठा जाने किन ख्यालों में गुम था, अकब से उभरती अचानक आवाज़ पर चौंक गया। पीछे मुड़कर देखा तो एलिना दरवाजे पर खड़ी थी, दोनों हाथ इसने सीने पर बांध रखे थे। तुम कब आए, वो बिना आहट किए जाने कब आई और कब दरवाज़ा खुला उसे कुछ पता ना चला। मैं एक शायरा हूँ एलिस, और शायरी बिना बताए उतरती है यूं ही अचानक खामोशी से, इसने कदम बढ़ाते जवाब दिया। जाने वो इतनी मुश्किल बातें क्यों करती थी, एलेक्स ने सोचा था। क्या आला तालीम हासिल करना ज़रूरी है, एलेक्स ने धीमे लहजे में पूछा। मैं वैसे भी कभी स्कूल नहीं गया, छुप छुपा कर मैंने पढ़ना लिखना सीखा तो मुझे किसी अच्छे कॉलेज में एडमिशन कौन देगा। वो बिला वजह ही अपने दाहिने हाथ के अंगूठे से सबसे छोटी उंगली के नाखून को खुरचने लगा था, सर झुका हुआ था। एलिना को वो थोड़ा परेशान लगा। देखो एलेक्स, जो हम समझ रहे होते हैं और जिन बातों से हम डर रहे होते हैं, ज़रूरी नहीं मुस्तकबिल में वैसा ही कुछ हो। कभी कभी वो हो जाता है जिसका हमने तसव्वुर भी नहीं किया होता। वो चलते चलते इस मेज़ तक आई थी जिस पर इसका लिखने का सामान रखा था, एलेक्स खामोशी से उसे सुनने लगा। ज़िंदगी नए मोड़ लेती रहती है, कभी अनचाहे तो कभी हैरान कुन। फैसला तुम्हें करना है कि तुम्हें अनचाहे मोड़ का हिस्सा बनना है या हैरान कुन का, और होगा वही जिसे तुम अपनाओगे, चूज करोगे। अब वो कलम उठाए मेज़ पर रखे पन्नों पर कुछ लिख रही थी। तुम जिस जगह जाने वाले हो वहाँ तुम्हारे ही जैसे लोग होंगे और वहाँ किसी स्कूल की पढ़ाई के बुनियाद पर दाखिला नहीं मिलेगा, बल्कि तुमसे एक सवाल किया जाएगा। वक्त का सवाल, जिसका तुम्हें जवाब देना होगा। सवाल, कैसा सवाल, और ये वक्त का सवाल क्या होता है, वो चौंका था।
अब वो गर्दन उठाए लीना को देख रहा था। पहले तो तुम ये जान लो कि वक्त किसे कहते हैं, फिर वक्त के सवाल पर जाना। वक्त, एलिस जेरे लबर बढ़ाया। हाँ वक्त, ये गौर व फिक्र करने वाली बात है कि वक्त क्या है और क्यों है। तुम इसका जवाब ढूंढो, तब तक मैं खाना बना लूँ, फिर हमें निकलना होगा। कलम को वापस रखते इसने सादा लहजे में कहा और वापसी की जानिब कदम बढ़ाए। रुको, एलिस के बुलाने पर लीना के कदम साख हुए। इसने पलट कर देखा तो एलिस अपनी जगह से खड़ा हो चुका था। क्या तुम मेरी मदद नहीं करोगी, इसने नजरें चुराते पूछा। इसके सवाल पर एलिना के लबों पर हल्की सी मुस्कान उभर कर मदूम हो गई। उसे एलिस के इस मासूम सवाल पर प्यार आया था। मदद तब मांगते हैं जब तुम अपनी सारी हिम्मत लगा लो। बिना कोशिश किए अगर तुम किसी से मदद का सवाल करोगे तो कोई तुम्हारी मदद नहीं करेगा, इसने प्यार से जवाब दिया था। एलिस का सर झुक गया। ये आज़ादी वाली ज़िंदगी इतनी भी आसान नहीं थी जितनी इसने समझा था। लिखना पढ़ना तो जानते हो ना, तुम्हारे पास एक घंटे का वक्त है, इन किताबों से शुरू करो, मुझे उम्मीद है जल्द ही जवाब मिल जाएगा। वो शेल्फ की जानिब इशारा करते कमरे से निकल गई थी, जबकि एलिस एक गहरा सांस लेता शेल्फ की जानिब बढ़ गया जिसमें मोटी मोटी किताबें तरतीब से रखी थी। तुम दोनों ने सामान रख लिया अपना, कुछ रह तो नहीं गया, परेशानी इनके चेहरे से झलक रही थी। मारवा जल्दी जल्दी किताबें बैग में डाल रही थी जबकि ज़ियान सुकून से बेड पर बैठा कबाब खा रहा था। मॉम सब रख लिया है मैंने, लैपटॉप, हेडफोन, दूसरा मोबाइल, यानी सब कुछ, कबाब मुंह में डालते ज़ियान ने तेज़ी से कहा। इसकी बात मारवा ने घूर कर उसे देखा था। हाँ सब कर लिया, बस पढ़ाई बाकी है। मैं सच कह रही हूँ मॉम, अगर ये टेस्ट में फेल हो गया तो अच्छा नहीं होगा। वैसे अच्छा ही है, अगर ये फेल हो जाए जान छूट जाएगी मेरी, वो हाथ कमर पर रखे गुस्से से लाल बबू का चेहरा लिए उसे घूर रही थी। ओहो, एक तो मैं तुम दोनों की लड़ाई से तंग आ गई हूँ। मारवा की मॉम झंझलाहट का शिकार थी। तो मैं रैम वॉक करूँगा अगर मैं फेल हो गया, कम अज कम तुम्हारे सास से तो जान छूटेगी ना, अकेला रहूँगा अपनी ज़िंदगी में मगन। वो महा ढीर था। मारवा ने होंठ बींच लिए। पता है फिर उसके बाद तुम क्या कहलाओगे, एक लूज़र, फेलर और भी बहुत कुछ, एक कामयाब राइटर के नाकाम भाई, वो गुस्से में बोलती चली गई। एक्सक्यूज़ मी मिस मारवा दी राइटर, वो झटके से इसकी जानी मुड़ा था। आप शायद भूल गई हैं, आप अपना करियर ख़राब कर चुकी हैं, बल्कि ख़राब नहीं ख़त्म कहना चाहिए, करियर बनाकर खुद ही ख़त्म करने वाली मारवा दी ग्रेट राइटर, वो तंग कर बोल रहा था। जैसे ही इसकी बात से कमरे में खामोशी छा गई। मारवा सुरख चेहरा लिए उसे घूर रही थी। इसने होंठों को आपस में पवस्त किया हुआ था, यूं जैसे खुद को कुछ कहने से रोक रही थी। इसकी आंखें सुरख होने लगी थीं। ज़ियान शर्म करो कुछ, मॉम की आवाज़ उभरी थी। ज़ियान को एहसास हुआ कि वो कुछ ज़्यादा बोल गया था, लेकिन इससे पहले वो कुछ कहता, मारवा कमरे से वॉकआउट कर गई थी।